तो ये रही बॉटल अभी भाई, इसमें इसके अंदर डालते हैं बॉटल, फ्यूल देखते हैं। माइलेज टेस्ट वीडियो आई मैक्स खड़ी यहाँ पर, जो कि पूरी फुल्ली मॉडिफाइड है। तो आज इसका मतलब ऑल ओवर माइलेज टेस्ट तो निकाल ही लेंगे आज की, कितना माइलेज देती है करके। खत्म हो गया भाई पेट्रोल, अब क्या करेंगे। मौसम देख ही रहे होंगे भाई, पूरा एकदम डल डल, पूरा वार्म लाइट आ रहे हैं ऊपर से। और आज की वीडियो तुम्हारे लिए एकदम खास, अभी खास खास वीडियो लेके आ रहे हो। बीच बीच में डेली ब्लॉग जो मतलब जो चलते थे पहले, डेली ब्लॉग चलते थे हर संडे के दिन संडे, वो मतलब थोड़ा ख़त्म सा कर दिया है। गाड़ी वाड़ी है नहीं अपने पास उस कारण से, लेकिन आज की वीडियो में कुछ खास लेके आए हो आपके लिए। अभी आप सोच रहे हो खास क्या है, जो पिछले वीडियो में एग्जॉस्ट के लिए एग्जॉस्ट था थोड़ा बहुत खास, उसमें अच्छे खासे व्यू आ गए थे, सोचा खास खास वीडियो बनाया जाए आपके लिए। तो आज एक खास माइलेज टेस्ट वीडियो आई। अब आप सोच रहे होंगे कि माइलेज टेस्ट आप कहाँ से करोगे, आपके पास तो गाड़ी है नहीं, लेकिन हमारे पास है एक गाड़ी जिसकी एग्जॉस्ट वाला मतलब काम किए थे गाड़ी पे, वही गाड़ी का आज माइलेज टेस्ट होने वाली। क्योंकि ये रही गाड़ी भाई, ये नहीं सॉरी ये मैक्स, संतोष भाई की मैक्स खड़ी यहाँ पर, जो कि पूरी फुल्ली मॉडिफाइड है। तो आज इसका मतलब ऑल ओवर माइलेज टेस्ट तो निकाल ही लेंगे आज की, कितना माइलेज देती करके। वैसे हमने इसको लेकर रोड ट्रिप पर गए, एकदम लॉन्ग रोड ट्रिप हो गई थी हमारी, कम से कम 2200 किलोमीटर की रोड ट्रिप थी वो। उससे तो समझ तो आ ही गया था, कम से कम 25 से 30 का एवरेज दे ही रही थी अगर अच्छे से चलो तो। एक टैंक में 300 किलोमीटर चली रही ऑल अराउंड, हमारी एनएस चल रही थी 350 प्लस चल रही थी एनएस भाई, 250 का चेक करती कि कितने का एवरेज देती करके। अरे भाई अपनी KTM जिसके ऊपर यहाँ पे 250 की बैचिंग है, ये तो लोग सोचेंगे कि भाई 250 की बैचिंग लगा दी अभी, वैसे ना क्योंकि 200 में ये वाला DRL आ ही रहा है। तो हमारी जब 200 ये वाला DRL में आने के पहले की ली हुई है भाई परचेसिंग, तो ओरिजिनल 250 है जिसमें एग्जॉस्ट आता है। अभी के 200 में ना वो वाला लाइट तो आ रहा है, लेकिन ये एग्जॉस्ट नहीं आ रहा है, हमारे इसमें एग्जॉस्ट लगा है, सब कुछ लगा है भाई, ओरिजिनल ही 250 है इसका। आज हम माइलेज टेस्ट करने वाले कितने देती है करके। पर अभी संतोष गया है पेट्रोल पंप, पीछे देख लो भाई, हम पेट्रोल पंप पर ही वीडियो बना रहे, यही आके बंद हो गई थी भाई गाड़ी। ये देखो भाई, ये देखो बंद हो रही है गाड़ी, चालू ही नहीं हो रही भाई गाड़ी, पेट्रोल ही नहीं है गाड़ी में, क्या कहाँ से चालू होने वाला है। खाली हो गई है गाड़ी, यहाँ से भी पेट्रोल लेने गए, पेट्रोल लाते, एक लीटर पहले पेट्रोल डालते, फिर चेक करते इसका माइलेज। ये रहा भाई पेट्रोल बिस्लरी के बॉटल में, जो कि भाई एक लीटर वाली आती है ना 20 रुपये वाली बॉटल पानी की, वो जिसमें एक लीटर आया इतना ही आया है भाई पेट्रोल, पानी तो इसके ऊपर रहता है लेकिन इतना पेट्रोल आया एक लीटर में। तो वैसे दो बॉटल लिए हमने, जो कि एक लीटर एक बॉटल अभी डालेंगे जो कि खाली हो जाएगा, फिर उसके बाद जब खाली हो जाएगा वो दूसरी वाली बॉटल उधर रखी संतोष के हाथ में, ये रही ये उसमें बाद में डालेंगे फिर। तो ये रही बॉटल अभी भाई, इसमें इसके अंदर डालते हैं बॉटल, फ्यूल देखते हैं, एक बार लॉक खोलो अभी, यहाँ पे भी फ्यूल व्यूल डालते हैं एक नंबर। भाई साहब ये चेक करो, ये अपना स्पीडोमीटर है, तो यहाँ पे अभी तक के भाई 5476 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। और अभी मैंने ये ट्रिप टू चालू है, ट्रिप वन मैंने जीरो करके रखा, ये ट्रिप टू भी जीरो कर देता मैं, ये ट्रिप टू भी जीरो हो गई है, लेकिन अपन अभी ट्रिप वन लगा देते इसमें, ये लग चुके भाई, ये ट्रिप टू पे सेट करते, ये छोड़ दो इसको ध्यान नहीं देते अपन। 5476 किलोमीटर चली है गाड़ी, 5476 को टोटल में से जितना भी आएंगे उसको उतना माइनस कर देंगे, आप याद रखना वीडियो में आपको दिखाया था, मैं तो उतना माइनस करके चेक कर लेंगे। अभी तो एक लीटर पेट्रोल डाला है गाड़ी में, अभी चालू करते, संतोष चला रहा है गाड़ी में, पीछे ही बैठूंगा वैसे तो। कम से कम जहाँ तक मुझे लगता है 25 का तो एवरेज मिलेगा ही मिलेगा, 100% 25 से ऊपर 25 प्लस का एवरेज है, जो कि हमने इसके पहले चलाया तो अंदाजा तो है ही गाड़ी का। ये गाड़ी का पता नहीं, इससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा है ना, इसका ज़्यादा होगा इससे, इसके मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 200 cc है ना इसलिए। तो भाई चालू हो गई गाड़ी, फर्स्ट सेल्फ में चालू हो गई भाई, पूरी नील हो गई थी आपके सामने, अभी पीछे रिवाइंड करके देख लेना वीडियो भाई, बंद हो गई थी गाड़ी, स्टार्ट नहीं हो रही थी, लेकिन फर्स्ट सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो गई भाई। संतोष को थोड़ा सा नॉलेज नहीं है तो उसको बताते रहता, धीरे धीरे समझाते रहता, उसको समझते रहता यार। तो भाई निकल गए हम पीछे बैठ के,
वैसे मैं पीछे ही बैठा हूँ अभी तो गाड़ी के, यहाँ से निकल रहे हैं। संतोष चला रहा है गाड़ी, अभी तक के ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर हो ही गया है, 1.2 में 1300 मीटर हो गया अभी तक के। ये आ गए भाई फाइनली हम जो मतलब मेन चौक है यहाँ पर नागपुर के, जो ऐसे फ्लाईओवर है पूरा बाईपास है ऊपर के, नागपुर की सिटी के अंदर बिना घुसे बाईपास ऊपर वाला, तो हम यहाँ से भी राइट जाएंगे सीधा, मतलब नागपुर सिटी के बाहर जाके चेक करना पड़ेगा भाई। सिटी में तो अभी उतना चेक करने लायक है नहीं, पुलिस वाले भाई तंग करते हैं, बीच बीच में आके रोक देते हैं ऐसे। यहाँ से राइट मारेंगे, राइट मार के सीधा हाईवे, हाईवे देखते हैं कितने दूर चलती है करके। क्या चलो चलते चेक करो भाई, फाइनली हम हाईवे पर आ जा चुके हैं, यहाँ से अभी निकलते हैं। हवा बड़ी बहुत तेज हो रही है भाई, बाल उड़ रहे, सॉरी बाल तो है नहीं मेरे को, बाल उड़ रहे। बादल देखो भाई, पूरा पानी का मौसम हो चुका है भाई, तब भी हम जा रहे हैं माइलेज टेस्ट के लिए। सब कुछ करना है भाई, सब कुछ करना पड़ता भाई, तुम्हारे लिए तो करना पड़ता और किसके लिए, कि जो भी हमारा भाई नई गाड़ी ले रहा है 250 200, उसको माइलेज का मालूम तो चले कि माइलेज कितना देती है क्या देती है करके। अभी तक ऑलमोस्ट भाई 5 किलोमीटर तो हो ही गया है भाई साहब, बारिश का मौसम है और बारिश चालू हो चुकी है, ये चेक करो हेलमेट में पानी दिख रहा हूँ, पूरा बारिश बारिश। अभी सोच रहे हैं कि पुल के नीचे थोड़ा रुका जाए थोड़ी देर के लिए, ताकि बारिश बंद हो तो हम फिर से निकले। अभी तक के 10 किलोमीटर चल चुके हैं, गाड़ी में मीटर दिखाता हूँ रुकता हो तो भाई बारिश में रुकने का प्लान कैंसिल हो चुका है। ये देखो बारिश गिरी थी पीछे, और अभी इधर साइड देखो रोड पूरा खाली खाली है, बारिश रुक चुकी है। यहाँ से सोच रहे कि खींचने का थोड़ा सा मतलब स्पीड में चला के देखते हैं। रात होने वाली है अभी थोड़े धीरे धीरे करते, पूरा ये जितना भी दिख रहा है पूरा अंधेरा हो जाएगा। लाइट तो चालू हो गई है भाई, सरकारी वाली स्ट्रीट लाइट चालू हो चुकी है। यहाँ हम रुके थे एकदम पेट्रोल पंप के भाई रोड के साइड में रुके थे भाई, इधर गाड़ी के 20 किलोमीटर हो गए करके इसलिए रुके थे। ये चेक करो पहले तो, ये ट्रिप वन अपनी लगी है, ट्रिप वन में चालू है भाई ये 20 किलोमीटर और प्लस 100 मीटर चलिए, इतना बता रहा है। और कितना चल सकते हैं इसके आगे, कमेंट करना आपके पास अगर ड्यूब 250 होगी, किसी के पास होगी दोस्त भाई के पास, तो आपका किलोमीटर मतलब जो एवरेज है वो सेंड करना, कमेंट में डालना जरूर कि आपकी कितनी एवरेज देती करके। अभी हमारे तो 20 किलोमीटर चली है और इसके आगे चलने वाली है, अभी पेट्रोल है उसमें ख़त्म नहीं हुआ है और जाएंगे आगे तक, जहाँ बंद हुई वहाँ तो आगे का दिखेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी रील वगैरह शूट कर लेते इंस्टाग्राम के लिए। वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपने सिनेमैटिक चेक किए थे भाई, वो यहाँ पर ही शूट किया गया था भाई, थोड़ी देर थोड़े से आगे में, यहाँ से थोड़ा यहाँ तक चल के आ गए। यहाँ पे सोच रहे यहाँ तक तो 20 किलोमीटर हो ही गए और 5-7 किलोमीटर बचे होंगे, तो यहाँ से आगे तक जाते निकलते फिर से देखते कि कहाँ बंद होती है एक्चुअल में गाड़ी। अभी बारिश का मौसम चेक करो भाई, पूरा रोड गीला है, तो हम सोच रहे कि यहाँ से यू टर्न मार लिया जाए। वैसे किलोमीटर तो बढ़ ही रहा है भाई, यहाँ से घर तक पहुँच जाए, पता नहीं चीज घर तक तो नहीं पहुँचेंगे भाई गाड़ी, लेकिन चेक करते हैं घर तक पहुँचती क्या। यहाँ से अभी 20-25 किलोमीटर घर है, तो वापस जाने तक देखते हैं, बीच में तो बंद होने ही वाली है, देखते हैं अभी कहाँ तक जाती है गाड़ी। ये रहा भाई पेट्रोल पंप, लेकिन हमको पेट्रोल नहीं डालना है, हम पूरा खाली करेंगे पहले तो फिर डालेंगे पेट्रोल, और अभी तक खाली नहीं हुआ है। देख के भाई 26 किलोमीटर चल चुकी है बोलते संतोष बता रहा है, अभी देखते हैं और आगे कहाँ तक चलती है। A few moments later. तो भाई फाइनली गाड़ी बंद हो चुकी है, फिनिश लग रहा है, बंद तो हो गई, सेल्फ तो नहीं पकड़ रही, चलते चलते बंद हो गई, बता रहा हूँ वो तो गई है। अभी इसको पूरा निचोड़ेंगे, पूरा निचोड़ेंगे इसको, वो तो गई है चाले, लेकिन इसको पूरा निचोड़ेंगे। अभी देखो अभी रात हो गई है, पूरी अंधेरा हो गया है, खत्म हो गया भाई पेट्रोल, अब क्या करेंगे, पेट्रोल पूरा खत्म हो गया भाई, अब कैसे जाएंगे कार। आओ तो भाई ये चल गई, चालू हो गई है धीरे धीरे करके, ये देखिए ये टपरी, ये मारना पड़ रहा भाई टो लात से, तब जाके गाड़ी हमारी चल रही है। यहाँ पे भाई पुलिया के नीचे रुकते हैं, ये आगे भाई हम पुलिया के नीचे, तो यहाँ पे आके भाई बंद हो गई थी, हमने लात मार के यहाँ तक लाए हैं। अभी बचा हुआ अपने पास जो पेट्रोल है, पेट्रोल है क्या, नहीं है, छोड़ गया पता नहीं भाई, रुक जा देखना पड़ेगा अभी। वो भाई हमने जो पेट्रोल लाए थे वो छूट गया कहीं रास्ते में।
देखते हैं क्या बैग में। ये रे भाई अपने ड्यूक 250 जो कि भाई संतोष पूरा गीला हो चुका है, पानी ऐसा आ रहा है। ये देखो भाई पूरी टी शर्ट गीली हो गई गीली। कलर कलर ही पता चल रहा है ना, डार्क है लो भाई। ये गाड़ी अपनी गाड़ी पूरी चालू है पूरा, कुछ भी हमने छेड़छाड़ नहीं करी, इसको बंद वंद नहीं करी। अपना स्पीडोमीटर भी अपने तुम्हारे सामने आंखों के सामने। ये रहा भाई 32.7 किलोमीटर चली है गाड़ी, एक लीटर पेट्रोल में 32.7। हमने ट्रिप वन भाई स्टार्टिंग में वीडियो का स्टार्टिंग में जीरो लिखे थे, 3.0 करती है, तो अभी 32.7 किलोमीटर एक लीटर पेट्रोल में भाई 32.7 किलोमीटर चल रही है गाड़ी, जो कि 250 सीसी के सेगमेंट में भाई एक नंबर एवरेज दे रही है गाड़ी, जो कि बोल सकते हैं अच्छी है। लेकिन डेली यूज़ के लिए 32 किलोमीटर चलाना भाई ये नहीं है सफिशियंट, नहीं इतना पैसा नहीं है लोगों के पास कि 250 लेके चला है। अब ये नॉर्मल लोगों के शौक है जिसको, वो ठीक है, अपने को शौक है इसलिए लिया है गाड़ी। एक नंबर भाई, अच्छा परफॉर्मेंस था भाई वीडियो गाड़ी का वगैरह, एक नंबर। अगर आपको अगर पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, ऐसे अपने दोस्तों को शेयर करो जो ड्यूक 250 वगैरह ले रहा है या 250 सीसी के सेगमेंट में अगर कोई गाड़ी ले रहा है तो उसको शेयर करो ये वीडियो, उसको बताओ कि ये 250 सीसी की गाड़ी इतना एवरेज देती है करके। होप करता हूं भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, आगे वीडियो शेयर करते रहो, आपको आपके भाई को आप बढ़ाते रहो। कोई भाई टाटा बाय बाय। ये चेक करो भाई, अब यहाँ पे आगे खड़े होकर लात मार के लाए थे भाई यहाँ तक गाड़ी। ये देख चेक करो भाई, सेल्फ लगाया मैंने, गाड़ी चालू ही नहीं हो रही, सेल्फ चालू है लेकिन चालू ही नहीं हो रही गाड़ी। ये चेक करो, चालू नहीं है गाड़ी।